है ना। यहाँ आवाज नहीं आ रही है। अच्छा चल, मैं बोल थोड़ा ऊंचा बोल रहे, कोई मसला नहीं है। अच्छा जो मैंने एनालिसिस किया है अपनी थ्रू आउट 2 साल, 2.5 साल, 3 साल की जर्नी के अंदर, मैंने देखा है कि तीन तरीके के, एक तीन मेथड्स होते हैं प्रेपरेशन करने के, बिकॉज दिस इज द स्टेप वन। उसके बाद आप पेपर में जाएंगे, फिर आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। पहले तो आपका जाहिर सी बात है स्टेप वन तो प्रेपरेशन का होगा। सो देयर आर बेसिकली थ्री मेथड्स के पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी कंपेटिटिव एग्जाम की। तो जो मेथड नंबर वन है वो थोड़ा एक्सटेंसिव मेथड है और वो हर स्टूडेंट नहीं करता, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं वो करते हैं, बट दिस इज द सेफेस्ट मेथड। हो सकता है आपने, आप में से कुछ ने वो किया हो, कुछ ने ना किया हो, बट स्टिल मैं बताना चाहता हूँ। तो मेथड नंबर वन ये है कि आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, रेलिवेंट बुक्स पढ़ते हैं, रिकमेंडेड बुक्स पढ़ते हैं और एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं। लाइक आप ए टू जेड डिटेल्स पढ़ते हैं और आप एक पूल बना लेते हैं सारे नॉलेज का, और उसके अंदर से पेपर के अंदर जाके आप चीज़ें पिक करते हैं और पेपर में लिखते जाते हैं। आपका कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होता, बट आपने बुक्स इतनी पढ़ी होती हैं कि आपके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होते हैं। सो दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट मेथड जो मुझे लगता है, बट ये काफ़ी लेंथी है और बहुत से कम स्टूडेंट्स होते हैं जो इस तरफ जाते हैं, लेकिन जो जाते हैं वो वाकई एस करते हैं सी एस एस पी एम एस दोनों एग्जाम्स को। सो ये है कि बुक्स पढ़ें और एक्सटेंसिव स्टडी करें। अब मेथड टू पे मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं मेथड थ्री बताना चाहता हूँ आपको। मेथड थ्री वो है कि जो सबसे अनसेफेस्ट है। मेथड थ्री वो मेथड है जो मोस्टली एकेडमीज या जो कह लें कि सीजनल टीचर्स होते हैं, जो कि पढ़ा लिया चले गए, सारा कुछ कर करा लिया, अटेम्प्ट पास हुई, पढ़ाने लग गए, ठीक है, और दो दो तीन तीन महीने की तैयारी वाला करवाने लग जाते। सो दिस इज द मोस्ट अनसेफेस्ट मेथड, और ये कहने के तुक्का है, अगर आपका लग जाए तो लग जाए, ना लगे तो फिर आप आगे जाके ना एलोकेशन नहीं ले पाते, ठीक है, सीधी सी बात है। सो ये 2-3 महीने वाली तैयारी है, और इसमें लोग क्या करते हैं, पास पेपर्स पढ़ते हैं और जो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको देखते हैं और उनको तैयार करते हैं, और बिल्कुल जेनेरिक पढ़ते हैं, कोई एक्सटेंसिव स्टडी नहीं करते, कोई डोमेन ज़्यादा कवर नहीं कर रहे होते, बस जो क्वेश्चन आए हैं उनको देख लिया, प्लेटो की बात हुई, एलिगरी ऑफ केव पढ़ ली, आइडियलिज्म पढ़ लिया, ये इससे ज़्यादा नहीं पढ़ रहे होते, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स पढ़ ली। तो ये सबसे अनसेफेस्ट है। अब हम जाते हैं जो मेथड नंबर टू है, कि जो सबसे मैं कहता हूँ कि सेफेस्ट तो वो था, बट मोस्ट कह लें कि वर्केबल है, मिनिमम टाइम में मोस्ट एफिशिएंट है, और ये वो मेथड है कि जो स्मार्ट, जिसको हम स्मार्ट वर्क कहते हैं, और वो मैं बात करूंगा एरिस्टोटल की भी, जो एरिस्टोटल की है कि थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन, तो वो मेथड है। यानी ये तकरीबन आपका 1 1.5 ईयर की प्रिपरेशन का मेथड होगा, बट इसमें यह है कि आपने सिलेबस एंड टू एंड करना होता है। और अगर आप देखें आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है सी एस एस पी एम एस के एग्जाम में, पहले पी एम एस में नहीं था होता, बट इस साल पीएमएस में भी काफ़ी अनकन्वेंशनल से पेपर्स आए हैं, और उस लिहाज से आपको सिलेबस एंड टू एंड करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप कुछ भी छोड़ के जाएंगे तो आप ये जहन में रखेंगे पेपर में वही आना है, ठीक है। तो लिहाजा ये है सेकंड मेथड, आप सिलेबस एंड टू एंड करते हैं, बुक्स 2-3 पढ़ते हैं एक पर सब्जेक्ट, लेकिन आप डोमेन्स मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करते हैं, फ्रॉम विकीपीडिया, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, वीडियोज़ देखते हैं आप, कुछ जहाँ से नॉलेज मिले, लेकिन आप वो करते हैं कि आप स्पेसिफिक नॉलेज जनरेट गैदर करना शुरू करते हैं। बिकॉज वो एक काफ़ी फेमस कोटेशन भी है कि खासतौर पे सी एस एस के अंदर, पी एम एस के अंदर यही एप्लीकेबल होती है कि यू हैव टू बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। क्योंकि आप मास्टर बन जाएंगे ना किसी एक सारी चीज़ के, तो आप बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे, तो यू हैव टू बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। सो ये मेथड जो ये वाला है सेकेंड, जो ये सबसे एफिशिएंट है, और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर इस साल तो जाहिर बात है आप अटेम्प्ट दें, नेक्स्ट ईयर मैं नहीं चाहूंगा कि किसी और को देनी पड़े, तो अल्लाह ताला आपको इसी में कामयाब करे, बट अगर देनी पड़े देन गो विद दिस मेथड। और इसमें यह है कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर मिलते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से मेंटोर कर सकते हैं, लाइक सर वकास नवाज हो गए, उन्होंने पोल साइंस, क्योंकि उनका बैकग्राउंड पोल साइंस का है, वो आपको मैक्सिमम डोमेन्स कवर करवा सकते हैं और आपकी मतलब स्मार्ट वर्क के अंदर काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड मेथड जो मैं रिकमेंड करूंगा आप सबके लिए। अब आते हैं पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के अंदर। जी सर, 1.5 ईयर आई थिंक विल बी गुड बी एनफ।
बट स्टिल हर बंदे की अपनी एक कैपेसिटीज होती हैं, और कुछ को ज्यादा टाइम लगता है, कुछ को कम लगता है. सो देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. जी सर, ये सिलेक्टिव अप्रोच में आएगा, बट स्टिल आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी इसके अंदर भी, 2 to 3, क्योंकि ताकि आप स्पेसिफिक नॉलेज जो है वो ले सकें. तो इसलिए बहरहाल बाकी मैं आप सबके क्वेश्चन जितने भी होंगे मैं बाद में एड्रेस करता हूँ. पहले मुझे थोड़ा बहुत जो है सारा मामला, जो आज का एजेंडा है उसको मैं कवर अप कर लूँ. सो आज का जो बेसिक एजेंडा है वो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स. आपने बहुत सारी पढ़ बहुत बहुत बुक्स पढ़ ली, आपने पूरी दुनिया का नॉलेज गैदर कर लिया. आप पेपर में चले गए हैं, आप रिप्रेजेंट नहीं करके आए, आप लिख के नहीं आए, तो इसका क्या फायदा? तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो पेपर के आपके 6 दिन हैं उनमें आप कैसा परफॉर्म करते हैं वो मैटर करता है. पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स. अच्छा, अब आपने प्रेपरेशन कर लिया, अब पेपर में चले गए हैं, पेपर आपके सामने है, पेपर में आगे क्वेश्चंस 7-8, CSS में 7 आते हैं, PMS में 8 होते हैं, 4 इधर करने हैं, वहां पे अपने 5 करने हैं. तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपने क्या क्या पढ़ा हुआ था, और आप कीवर्ड्स ढूंढेंगे उसके अंदर कि अच्छा यह प्लेटो में तैयार करके गया था, एरिस्टोटल मैंने तैयार किया था, तो वहाँ प्लेटो आगे, लिहाजा मैंने यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. बहुत अच्छी बात है, आप मतलब डायरेक्ट उसके ऊपर जा रहे हैं. लेकिन इस चीज के अंदर एक मसला आ जाता है कि जब आप पेपर देखते हैं तो आप एग्जामिनर का जो क्वेश्चन है कि वो क्या पूछ रहा है, आप उसको नहीं समझ पा रहे होते. लाइक आप उसको एग्जामिनर ने जो चीज़ें रिक्वायर जो एग्जामिनर को जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आप अक्सर औकात उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं. आप वो जाके वहाँ पे रिप्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं. लाइक मैं भी वही चीज़ें रिप्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा होता था जो हम खुद पढ़ के गए होते हैं, बट एग्जामिनर का पूछने का तरीका और होता है. लाइक अगर वो एरिस्टोटल और प्लेटो के दरमियान डिफरेंसेस पूछना शुरू कर देगा तो हम वहाँ पे वो नहीं बताने लग जाएंगे कि प्लेटो की ये थ्योरीज थी, वो एरिस्टोटल की, हमें स्पेसिफिक रहना पड़ेगा. सो ऐसे का भी पेपर की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली वहाँ से बात शुरू हो जाती है कि ऐसे के पेपर में लिखा होता है रेलिवेंस, क्लैरिटी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज. ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके हर पेपर के अंदर होनी चाहिए. सो पेपर आपके सामने आ गया, कीवर्ड्स आपने देख लिए, अगर आपने सेकेंड मेथड या फर्स्ट मेथड से तैयारी की हुई है तो पेपर के अंदर कोई भी डोमेन दे देंगे आप उसको सॉल्व कर लेंगे. आपके लिए क्वेश्चन लिखना इम्पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आपने थोड़ी एक्सटेंसिव स्टडी की है, कंप्रीहेंसिवली आपने चीज़ों को पढ़ा हुआ. तो खैर, पेपर आपके पास आ गया, आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख ली. क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर ना आजकल डिफरेंट चीज़ें आती हैं. वो पूछ रहा होता है कि क्रिटिसाइज करें, इवेल्युएट करें, आर्ग्यू करें, एक्सप्लेन करें, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स. ये जी बिल्कुल कमेंट ऑन दिस, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. तो आपने सबसे पहले उस वर्ड को ग्रैब करना कि वो पूछ क्या रहा है. लाइक थ्योरी तो आपके जेन के अंदर है, आपने नोट भी बनाए हुए थे, आपने उस चीज को पढ़ा भी अच्छे तरीके से हुआ था, बट जो उसने पूछा है वो एक वर्ड जो है आपका पूरे क्वेश्चन की सेंस चेंज कर सकता है. लेकिन मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में बताता हूँ आपको, उसके बाद में आप आगे चलेंगे कि हमने क्वेश्चन लिखना कैसे है. अब उसके अंदर उसने पूछ लिया है, अगर एग्जामिनर ने एक लंबी सी स्टेटमेंट दे दी और आगे उसने लिख दिया एनालाइज, ठीक है, अब आप इसको कैसे करेंगे? एनालाइज का मतलब ये है कि आपने अपनी रेशनैलिटी यूज करते हुए उस टॉपिक के, उस थ्योरी के पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, चैलेंजेस, उसकी अपॉर्चुनिटीज, उन सबको देखना है, और आपने उसको ब्रेक डाउन कर देना. एनालाइज का मतलब ये होता है आपने उसको ब्रेक डाउन कर देना, उस पूरी स्टेटमेंट को, उस थ्योरी को आपने खोल के रखते हैं ना एग्जामिनर के सामने कि यार इसमें ये है ये नहीं है, ठीक है. और उसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो कि A to Z कि ये इस तरीके से है, इस तरीके से नहीं. आप उसमें बताएंगे, जैसे प्लेटो की अगर हम बात करते हैं, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, या थ्योरी ऑफ कौन सी एलिगरी ऑफ केव है, तो आप उसके अंदर बताएंगे कि यार ये वाली उसने क्यों दी, कैसे दी, और इसका क्या आउटकम है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं. इस तरीके से आप चीज़ों को लेने लेके चलना शुरू करेंगे. और ये वो चीज़ है कि जो आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर, जरूरी नहीं कि पोल साइंस हो, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, किसी भी चीज़ के अंदर, आप किसी भी पेपर के अंदर जाके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं. एनालाइज के बाद अगर हम सेकेंड वर्ड यूज करें, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, डिस्कस,
ये वो चीज़ आ गई जो हमें एस्पिरेंट्स के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट वो अच्छी लगती है हमें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जो हम तैयार करके गए होते हैं, एक्सप्लेन करें, डिस्कस करें, ठीक है, ये वो चीज़ें हैं कि जैसे हमने नोट्स बनाए हैं जिस तरीके से, जिस फ्लो के अंदर नोट्स बनाए हैं हमने, एज इट इज़ जाके उसी तरीके से छाप देना है वहाँ पे। हाँ बस एंड पे थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें चटनी घुमा के हमने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर देना। सो एक्सप्लेन या डिस्कस जो है इसको इस तरीके से देखेंगे। फिर अक्सर आ जाता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। अब कंपेयर एंड कंट्रास्ट जब भी आएगा तो इसके अंदर आपको दो कंसेप्ट दिए होंगे, दो आइडियाज दिए होंगे, दो दो थेरीज दी होंगी, या अगर ये दो कंसेप्ट दिए होंगे। अब कंपेयर जब कहेंगे तो कंपैरिजन के अंदर आप उन दोनों की सिमिलैरिटीज देखना शुरू करेंगे कि अगर आपके पास कैपिटलिज्म कम्युनिज्म के ऊपर आएगा कि वो आगे कह दिया जाए कंपेयर एंड कंट्रास्ट, तो आप उन दोनों को कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को सिमिलैरिटीज देखेंगे कंपैरिजन के अंदर, और कंट्रास्ट के अंदर आप उनकी डिससिमिलैरिटीज देखेंगे कि उनके अंदर क्या डिफरेंसेज हैं क्या नहीं। तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट के क्वेश्चन को आप इस तरीके से लेके चलेंगे। और इसके बाद अगर क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर बात कर दें तो उसके अंदर आप पॉजिटिव नेगेटिव्स और इस तरीके से चीज़ें देख लेंगे। और प्रोस्पेक्ट्स की बात कर लें तो प्रोस्पेक्ट्स मेनली होते हैं इन फ्यूचर के, कि अगर फिलहाल ये चल रहा है फ्यूचर के अंदर ये चीज़ जाके इस तरीके की टर्न ले लेगी, इस डायरेक्शन के अंदर चली जाएगी। सो बेसिकली जब भी पेपर आए सामने तो फर्स्ट टेक्निक ये है कि आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी है और पूछ समझने की कोशिश करनी है कि उसने डिमांड क्या किया, तभी आप उसको अच्छे तरीके से जहन में आर्टिकुलेट कर सकेंगे कि मैंने क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये क्या करना है। ये चीज होगी। अब पेपर आएंगे 12, CSSO PMSO दोनों, उनके अंदर एसए प्रेसी और CSS के अंदर मैं GSA को कहूंगा। इन तीन पेपर्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो नौ पेपर्स हैं उन सब के लिखने की टेक्निक सेम है। एसए का पेपर हर बंदा अपने तरीके से कर रहा होता है, किसी को हर बंदे का अपना मेंटोर है और वो उसी के तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ी एम्बिग्यूटीज वगैरह या थोड़े फियर्स हैं जो हमारी मार्केट के अंदर या स्टूडेंट्स की सोसाइटीज में सब चल रहे हैं। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो तरीका आपको सूटेबल लग रहा है उस तरीके से चलें। प्रेसी भी आपने कर लेनी है, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। GSA के अंदर ये है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आया है तो 5 नंबर का क्वेश्चन है GSA का, तो उसमें आपने डायग्राम लास्ट में बनानी है। अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, मतलब तो मिलेंगे तो सही कम मिलेंगे, लेकिन डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा मिलेंगे। खैर बाकी 9 पेपर्स जो हैं उन सबका सेम मेथड है। तो क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन आपने ब्रेक डाउन कर लिया, स्टेटमेंट आपने समझ ली, पूछा क्या गया ये आपने देख लिया। अब बारी बारी आगे लिखने की। तो लिखने के अंदर एग्जामिनर के पास, शायद मेरा ख्याल है कल मैं डॉक्टर साहब का लेक्चर ले रहा था, तो डॉक्टर साहब ने भी ये बात की थी कि क्वेश्चन एग्जामिनर के पास पढ़ने का टाइम नहीं है। तो वाकई नहीं है उसके पास टाइम, उसके पास इतने ज़्यादा पेपर्स हैं, उसने स्किम करना है, उसको जो चीज़ अच्छी लगेगी वहाँ रुक के वो पढ़ने की कोशिश करेगा, जो चीज़ उसको अच्छी नहीं लगेगी उसको वो गुजार देगा। तो आपने स्टार्ट कैसे करना है, कोशिश करें अगर आपसे मैनेज हो सकता है कि आप क्वेश्चन के स्टार्ट में आउटलाइन बना लिया करें लास्ट में, ताकि उसको पहले ही आइडिया हो जाए कि पेपर में उसने आगे क्या लिखा होगा। तो आपके पास क्वेश्चंस आ गए, अब 1 2 3 4, कोशिश करें पेपर के आखिरी पेज पे चले जाएं। क्वेश्चन पेपर पे ना लिखें क्योंकि वो अलाउ नहीं होता वहां पे, आंसर बुक के आखिरी पेज पे चले जाएं, वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, अगले पेज के ऊपर 3 और 4 लिखते हैं, और उसको उसके बारे में क्वेश्चन के बारे में ब्रेन स्टॉर्मिंग शुरू कर दें। जो आपके जेन के अंदर आ रहा है शुरू के 20 मिनट के अंदर आपने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना, फिर आउटलाइन बना देनी है एक रफ, ठीक है, जैसे इंट्रो ये और एंड पे कंक्लूजन, इस तरीके से आपने 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन की ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेनी है और आपने लिख लेना है कि आपने क्या करना है पेपर के अंदर। बाकी जब आपने ये कर लिया उसके बाद आप आगे फ्रंट फर्स्ट पेज के ऊपर, अब CSS के अंदर जो आंसर बुक होती है वो काफ़ी बड़े साइज की होती है, ठीक है, उसकी लेंथ आई थिंक 4 5 लाइनें जो है ना वो ज़्यादा ही होती हैं, PMS वगैरह ये जो हम आम पेपर्स ये जो पढ़े हुए इनसे ज़्यादा ही होती है। तो उसके अंदर फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट रहना पड़ेगा, लिखना ज़्यादा पड़ेगा। सो खैर स्टार्ट उसी तरीके से इंट्रोडक्शन से करें, इससे पहले कोशिश करें आउटलाइन बना लें। इंट्रोडक्शन जो है आपका पूरे क्वेश्चन की समरी होनी चाहिए, यानी जो क्वेश्चन का आपने आंसर लिखना है टोटल उसकी समरी होनी चाहिए आप, और समरी इस तरीके की होनी चाहिए कि जिस सीक्वेंस के अंदर आप क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, यानी आपने इंट्रोडक्शन, उसके बाद ये पॉजिटिव्स नेगेटिव्स कंपैरिजन कंट्रास्ट और एंड के अंदर का क्रिटिकल एनालिसिस कंक्लूजन, वो सारा
आपका उसके अंदर कवर हो जाना चाहिए। इंट्रोडक्शन के अंदर कोशिश करें कि कोटेशन से स्टार्ट कर लें, किसी भी कोई रेलिवेंट कोटेशन। ठीक है, रेलिवेंट कोटेशन जैसे अगर आप करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर्स में जाते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान के रिलेशंस की बात आ जाती है, तो मेरा ख्याल है शायद कन्फ्यूशियस की एक कोटेशन है कि वी डू नॉट चूज आर नेबर्स, तो पाकिस्तान के अपने इर्द गिर्द के। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कि यार चलो इसने कुछ ना कुछ रेलिवेंट लिखने की कोशिश की है। कोटेशन लिखें सेंटर में मार्कर से ताकि वो प्रॉपरली विजिबल हो, और इंट्रोडक्शन लिखते हैं। अगर आप कोटेशन लिख रहे हैं तो कोशिश करें कि इंट्रोडक्शन आपका 75% ऑफ पेज से ज़्यादा ना जाए, और अगर आप लिख रहे हैं कोटेशन नहीं तो आपका कोशिश होनी चाहिए कि 50% ऑफ पेज से ज़्यादा आपका इंट्रोडक्शन नहीं जाना चाहिए। इंट्रोडक्शन के बाद आपने कोई चीज़ एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश नहीं करनी, क्वेश्चन को जिस तरीके से ब्रेक डाउन किया था उसी तरह से आपने हेडिंग्स बनानी है, और हेडिंग्स आपने बनानी है कोशिश करके सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किस्म की। लाइक ऐसी हेडिंग होनी चाहिए कि जो एग्जामिनर अगर पढ़ ले, चाहे वो 2-3 लाइनों की चली जाए, ऐसी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप एग्जामिनर पढ़ ले तो उसके बाद उसको आपका निचले वाला जो भी आपने पेन से या बॉल पॉइंट जिससे भी लिखा है वो पढ़ने की जरूरत ना पड़े। लाइक मैं जैसे एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कम्युनिज्म कैपिटलिज्म की बात करते हैं, तो अगर आप कैपिटलिज्म लिखेंगे तो सिंपल कैपिटलिज्म लिखने की बजाय आप आगे लिखते हैं द कॉज ऑफ एक्सप्लोइटेशन एंड एलिनेशन ऑफ द प्रोलिटेरिएट। कम्युनिज्म की बात आए, कम्युनिज्म अ वे ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन इन सोसाइटी। तो इस तरीके से आप जब लिखेंगे तो उसको समझ आ जाएगी कि यार ये नीचे इसने जो भी सारी वो फिलोसफीज लिखी हैं वो ऊपर कवर हो गई है, लिहाजा इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। ये इंट्रोडक्शन, नीचे जितनी भी सारी आपने हेडिंग्स बनानी है मेन, सेकेंड लास्ट हेडिंग आपकी होनी चाहिए क्रिटिकल एनालिसिस की, और लास्ट हेडिंग होनी चाहिए आपकी कंक्लूजन की। कोशिश करें कंक्लूजन के अंदर भी एक कोटेशन ऐड कर दें, कोई भी जेनेरिक सी कोटेशन हो जाए, इस्लामिया का पेपर आया है तो उसके अंदर भी आपकी कोटेशन ऐड कर दें, पोल साइंस के कोई भी आपके मतलब हो जाती है। अगर आप पेपर में जाएंगे आप कोई ना कोई आपके जहन के अंदर आ जाएगी, लेकिन तब आएगी अगर आप माइंड बना के जाएंगे कि मैंने लिखनी लिखनी है, लेकिन इन चीज़ों का बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन के अंदर फ्यूचर में कुछ इम्प्लीकेशंस आ सकती हैं, फ्यूचर इम्पैक्ट्स आ सकते हैं सोसाइटी के ऊपर, तो कोशिश करें कि क्रिटिकल एनालिसिस से ऊपर आप लिखते हैं फ्यूचर प्रोग्नोसिस, और उसके अंदर अगर आप कुछ सेल्फ जैसे मैंने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी की बात की है, फ्यूचर प्रोग्नोसिस लिखे आप आगे जो भी आपके जहन के अंदर चल रहा है कि इसका ये इम्पैक्ट आ सकता है फ्यूचर में या ये नहीं आ सकता वो लिखते हैं, और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर दें। ये आपका होना चाहिए बेसिक फ्रेमवर्क। अब इसके अंदर आपने लगाना है मिर्च मसाला, ठीक है, जब ताकि एग्जामिनर को वो चीज़ पसंद आ जाए। मिर्च मसाला आपने कैसे लगाना है? कुछ चीज़ें होती हैं कि जिन्हें हम एस्थेटिक्स में काउंट करते हैं या पेपर प्रेजेंटेशन का जिसका नाम दिया जाता है, तो वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना वो खुश हो जाता है कि यार 4-5 बड़े बोरिंग से पेपर्स आए हैं तो आगे एक बड़ी अच्छी सी डायग्राम आ गई है, तो एग्जामिनर कहता है क्या बात है। तो आपने उन चीज़ों में बड़ा फोकस करना है, उनमें आ जाती हैं डायग्राम्स। डायग्राम्स की मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे इस्लामियात का पेपर है, आप मेरा नहीं ख्याल के जाहिर सी बात है आप लोग भी सोचते होंगे इस बारे में, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये नहीं सोचते कि इस्लामियात के पेपर में हम कोई डायग्राम बना सकते हैं। इस्लामियात के पेपर में आप डायग्राम बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? गज़वे उहद पे क्वेश्चन आया, आप बनाएं पहाड़ इस तरह, गज़वे उहद है ये नीचे आपका वो, यहाँ पे लोग खड़े हैं, आप इधर सिंपल ऐसे शो कर दें डायग्राम, यहाँ से आर्चर्स खड़े हैं ठीक है वो नीचे आ गए, इस तरह से आप डायग्राम पूरे पेज पे बना दें। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाएगी जब एग्जामिनर खोलेगा अगला पेज करेगा कि इस्लामियात का बिल्कुल बोरिंग सा आयतें वगैरह आ रही हैं और बिल्कुल सिंपल से पेपर चल रहे हैं, और एकदम आगे से इस टाइप की चीज़ आ गई। जैसे अगर हम मिलिट्री स्ट्रेटेजी की बात करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसके अंदर आप बता सकते हैं कि इस तरीके से एक दस्ता है, फौजी दस्ता यूँ आगे जाएंगे, यहाँ पे ये लोग खड़े होंगे, यहाँ ये खड़े होंगे, इस तरीके से आपने डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से पेपर के अंदर आपने जाके अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी है। डायग्राम्स के बाद जो सेकंड चीज़ जो उसको हम कह लें कि मिर्च मसाले के में काउंट कर सकते हैं, वो होंगी फ्लो चार्ट्स। आप में से किसी का
सीएस वगैरह का बैकग्राउंड है, आईटी सीएस, तो वो फ्लो चार्ट्स वगैरह का आपको काफ़ी आइडिया होगा उसके अंदर, जब वो क्योंकि 8, 9, 10 वगैरह क्लास से हम बात करें तो तब वो पढ़ाते हैं कंप्यूटर के अंदर कि अच्छा इस तरीके से फ्लो चार्ट्स, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग, और इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट वगैरह जी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बेस्ट है। सो ये चीज़ जो है फ्लो चार्ट्स वगैरह ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपका पूरा क्वेश्चन एक फ्लो चार्ट के अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उनको कि जैसे स्टेप वन है, ठीक है स्टेप वन, आगे आप ये लिखें कोई भी स्टेटमेंट लिखें, स्टेप टू यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखें, इस तरीके से आप फ्लो चार्ट्स लेके चल सकते हैं, पूरा आपका एक पेज ये चीज़ कवर कर जाएगी। उसके बाद आप ग्राफ्स बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं। अब अगर आपने पाकिस्तान के डिफरेंट इंडाइसिस को कंपेयर करना है कि पास में क्या थे आगे क्या है, पाकिस्तान के आपने फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखने हैं, तो आप ग्राफ बना लें कि 2021 के अंदर इतना, 2022 में इतना, ऐसे ऊपर गए नीचे आए, तो इस तरीके से आपका अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। यही चीज अगर आप लिख रहे होंगे पेपर के अंदर कि इन 2021 पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने अमाउंट के थे 2021, एग्जामिनर नहीं पड़ेगा वो, जब वो ये देखेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि यार इसको आता है, इसने पढ़ा हुआ है, इसको फैक्ट्स भी याद है, इसको हर चीज पता है। और अगर आप चाहें तो अगर आपने इस तरह के ग्राफ्स वगैरह वीडियोस या जर्नल्स वगैरह के अंदर आपको बने बनाए मिल जाते हैं, अगर आपकी अच्छी रिटेनिंग पावर है तो आप वहां से कॉपी कर लें, और नीचे अगर आप सोर्स दे देंगे तो क्या ही बात है, एग्जामिनर ने कहना अच्छा खासा रेफरेंस हो गया। खैर इसके अलावा आप किस चीज को यूज कर सकते हैं भला, मैप्स, वो तो सब करते हैं, वो तो सब करते हैं मैप्स। खैर ये चीजें हैं जिनको आपने काफी ज्यादा फोकस करना है, लेकिन इस सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बच्चे ये करके भी फेल हो जाते हैं और कुछ ये ना करके भी पास हो जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो मैंने सबसे पहले कही थी कि रेलिवेंस, क्लैरिटी और ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में और आप उसको हॉब्स का बायोडाटा देना शुरू कर रहे हैं तो कभी पास नहीं करेगा आपको, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उसने जो पूछा है वो उसको वही चाहिए। सो कोशिश करें कि जो उसने पूछा है उसको वो प्रोवाइड करें। और पेपर में अक्सर लोग ये कहते हैं कि आपने जाके बताना होता है कि मुझे ये आता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपने उसको जाके ये बताना है कि मुझे जो तुमने पूछा है उसके बारे में ये आता है, प्रॉपर रीडिंग करेंगे तो फिर आपको काफ़ी जाके आगे आसानी हो जाएगी। आप डोमेन ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें तो आपको आगे जाके मज़ीद आसानी होगी। इसके अलावा आई थिंक ज़रा टाइम नहीं मैं लेता, क्या टाइम लगा, बल हमें ज़रा टाइम ही लेता, आधा घंटा तो हो गया है। तो क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको एड्रेस कर सकूं, तो काइंडली इट्स अप टू यू नाउ जी। सर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, जैसे जी कि गांधी ब्रिज के क्वेश्चन आया था अभी जी प्रैक्टिस बेसिस में, तो जब हम आपके डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मतलब नया आपके CMS पास है, ठीक है वो डिमांड करते हैं ना, उनकी रिक्वेस्ट ही होती है होता है कि आप ना उसका भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दें। तो ठीक है सर कभी कभी क्वेश्चन बिल्कुल वो करंट सिनेरियोस की बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल लेकिन वो कहते हैं कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देख, अच्छा इंप्रेशन आएगा कि पता है आपको उस चीज़ का। बिल्कुल। देखें तो सर ये जरूरी है, मतलब अगर हम बैठ बात कर रहे हैं अच्छी की, इस तरह की चीज़ें ना तब इम्पोर्टेंट होती हैं जब आपके पास जो पूछा गया ना उसके बारे में काफ़ी मतलब सफिशिएंट नॉलेज नहीं है। आपने कोशिश यही करनी है कि CSS के अंदर आपके 8 to 9 pages का आंसर होना चाहिए और PMS के अंदर 9 to 10 का, अगर नहीं होगा तो आपका जाहिर सी बात है इंप्रेशन डाउन जाएगा, क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम है और इसके अंदर पेजेस भी काउंट होंगे, क्वालिटी भी काउंट होगी, हर चीज़ काउंट होगी। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास इतना नॉलेज नहीं है कि आप उसको जो एग्जामिनर ने पूछा उसको कवर अप नहीं कर सकते, तो फिर आप कोशिश कर लें कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दें, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इन बिल्कुल स्टार्ट में दे दें, एग्जामिनर को ये लगे कि ये बातें घुमाने की कोशिश कर रहा है और मुझे वो कहने की डॉज करने की कोशिश कर रहा है। आप आगे जाके दे सकते हैं, जैसे मैंने फ्यूचर प्रोग्नोसिस बताया, आप उससे पहले बता सकते हैं कि अच्छा हिस्ट्री में ये होता रहा, करंट में मैंने पहले बता दिया, फ्यूचर में ये हो जाएगा, और क्रिटिकल एनालिसिस भी है, उस तरह आप इसको कवर अप कर सकते हैं। प्रोग्रेस के करें हाँ प्रोग्रेस में भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें मैं यही कहूंगा कि ऐसे एग्जामिनर को नहीं लगना चाहिए कि आप बातें घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको चीट करने की कोशिश, डॉज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर का पता आपको उसने थोड़े से पैसे लेके करना चेक करना है पेपर, उसने यही कहना है कि यार 20 रुपए के अंदर मैं क्या डॉज हूँ।
तो खैर इसको इस तरीके से देख लीजिएगा। जी बताएं। सर आपकी प्रोफेशन पे कि जैसे क्वेश्चन है जी सेकंड अमेंडमेंट रेवेन्यू सोशल का, जी जी अब ये पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में भी आ गया जी और पाकिस्तान में भी, तो उससे डिफरेंशिएट कैसे करें, मतलब हाँ रिफ्लेक्शन कैसे करें, मतलब ये पार्ट फेयर का है। बिल्कुल, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके बल्कि मैं सोच के आया था, मैंने ये चीज़ डिस्कस करनी है। अच्छा हुआ आपने बता दिया। इसमें होता है कि हर सब्जेक्ट के ना अपने जार्गन्स होते हैं, ठीक है। आपने पोल साइंस पढ़ी है, पोल साइंस का इतना लंबा सा 3-4 सफ़ों का सिलेबस है। वो सिलेबस नहीं है, वो उसके जार्गन्स हैं, ठीक है। वो उसके मेन हेडर्स हैं। आपने पाकिस्तान अफेयर्स पढ़े, उसका पाकिस्तान अफेयर्स का तो ऐसे जितने जार्गन्स नहीं है। बट जब भी आपने पेपर करना है, चाहे कोई भी हो गया ऑप्शंस में खास तौर पे, तो अपने जार्गन्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना। जैसे उस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स का मैंने बताया, उसमें आपके जार्गन्स शो होने चाहिए। तो सिर्फ ये चीज़ फोकस चेंज करेगी। लाइक 2023 का CSS आया था, उसके अंदर पेपर 2 जो था पोल साइंस का, वो बिल्कुल ही करंट अफेयर टाइप का लग रहा था, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अंदर नंबर इसी वजह से शायद बच्चों के काम आए, क्योंकि क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं थे। लाइक स्टार्टअप वाला क्वेश्चन या इस तरीके क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं थे। उसमें सिर्फ एक चीज थी कि शायद जार्गन्स मिस कर रहे थे हम। उसको सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं थे बना के चल रहे। और यही चीज मैंने स्टार्ट में कही थी। तो जब आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास आएंगे ना, यानी जिसका बैकग्राउंड ही वो है जो सब्जेक्ट आप पढ़ने आ रहे हैं, तो तब आपकी ये चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल इंट्रो बिल्कुल ये सब देखें। उसमें आप इंट्रोडक्शन लिखें, कंक्लूजन लाजमी लिखें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जो एग्जामिनर डिमांड करता है। और एक क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप थीसिस वगैरह भी पढ़ें या कुछ भी पढ़ें ना, तो एक ये समझ लें कि शॉर्ट थीसिस ही है आंसर जो है आपका। तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लास्ट में लिखें, लेंथ थोड़ी उसकी छोटी कर लें, और कहने के वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन अगर बिग वर्जन है तो उसका स्मॉल वर्जन बना दें, ठीक है। आप उसके अंदर अगर आपको लग रहा है कि आपके पास नॉलेज ज़्यादा है और आपके पास पेजेस आपने कम लिखने हैं, तो कोशिश करें डायग्राम से वो कम कर दें, लेकिन अपना जो नॉलेज है वो प्रॉपर एक्सप्रेस करके आना है आपने। नहीं हाँ, लेकिन उसकी सब हेडिंग्स आप ज्यादा बनाएंगे ना, फिर सब हेडिंग्स आप बना लें, फिर उसके हम मेन के नीचे आप सब हेडिंग्स बना लें लास्ट। और ये अगर मैं मिस कर गया, तो वो भी ये जो मैंने अभी बताया था क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका, इसमें भी ये मेन हेडिंग्स थी जिसकी जो सब हेडिंग्स है वो आपने लाजमी बनानी है। हर एक मेन हेडिंग की 2-3 सब हेडिंग्स होनी चाहिए लाजमी, तभी एग्जामिनर को पता चलेगा कि अच्छा, इसने इतना ज्यादा ब्रेक डाउन किया चीज़ों को, वो अच्छा इंप्रेशन जाता है। जी सर जी जो जी नहीं जी आपका नहीं, उसमें अगर आप सब हेडिंग्स लिखेंगे ना, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा और टाइम मैनेजमेंट का मसला आ जाएगा। हाँ काफ़ी हो, लेकिन ये सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आप पेपर में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप टाइम मैनेज कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि मैंने बताया कि आप ब्रेन स्ट्रॉमिंग करेंगे, 20 मिनट उसमें लग जाएंगे आपके 4 क्वेश्चन करते हुए। उसके बाद आगे आपके पास कितना टाइम बचेगा, 35 मिनट्स बचेंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसमें अगर आपने 8-9 पेजेस लिखने हैं, तो आप खुद देख लें कि आप किस तरीके से मैनेज करेंगे। अगर आपका इतना फ्लो है कि आप 8-9 से ज़्यादा 10-12 भी लिख सकते हैं, फिर आप बेशक सब हेडिंग्स में लिखें, जो मर्जी करें। लेकिन बेसिकली यही है कि मेन पर्पज़ है कि आपने पेपर पूरा करना है और अच्छा पूरा करना है। ऐसा नहीं करना कि पहला पहला क्वेश्चन आपका 12 पेजेस का जा रहा है, आखिरी आपका 4 सफ़ों पर जा रहा है, क्योंकि हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं। 12 पेजेस वाला आपको 15 नंबर दे देगा, ठीक है, और तो सारे आपको 14-14 नंबर दे देंगे। तो ये चीज़ आपके लास्ट में देखनी है। इसके अलावा जी आजकल जी आपको पता होगा कि हाँ टॉपिक यार, ऐसे का मैं नहीं कुछ कुछ भी कमेंट करना चाहूंगा, क्योंकि वो एक हर बंदे का ना अपनी अप्रोच, पर्सनल अप्रोच होती है, ठीक है। अच्छा ऐसे को, अच्छा अगर मैं देखूँ कि मैं प्रोवर्बियल ऐसे अगर अटेम्प्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने PMS में प्रोवर्बियल ऐसे ही अटेम्प्ट किया था, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन्स। तो मैंने उसको इसी तरीके से किया था
ए सिंपल इंट्रो, उसके बाद हाउ मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, आंसर्स कंक्लूजन। अब आपको शायद ना पसंद आएगा बट पास हुआ। सो इसलिए मैं ये कहूँगा कि हर बंदे की पर्सनल अप्रोच है, ठीक है, और ऐसे के अंदर कोई एक अप्रोच मेरा नहीं ख्याल वर्क कर सकती है। आई गॉट 40, यस। सर एक क्वेश्चन आपके, सर आपके बोलने से लग रहा है कि आपका फिलोसफी सब्जेक्ट था, जी मैं फिलोसफी तो सब्जेक्ट सर क्योंकि मेरा था। भी क्या मतलब फिलोसफी में सर ये फ्लो चार्ट डायग्राम एज सच तो मतलब इनका इतना तो रोल ही नहीं था। और दूसरी बात सर, अगर प्लेटो पे हम जी। फोकस कर रहे हैं तो सर उसकी कॉपी थ्योरी भी है और बहुत सारी है एडिटोरियल के सब, तो अगर वो प्लेटो पे ही हो रहा है जनरल सवाल कर रहा है तो उसके लिए सारी चीजें मैं देंगे इसमें या आपको फिर ना स्पेसिफिकली वही बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली बात करनी है, तो फिर ठीक तो है। वो एक स्केलिंग की मैं और फेल तो छोटी होगी फिर छोटी होगी लेकिन आप एक पेज की बनाए ना उसकी सर, वो डायरेक्ट तो पूरी एक पेज डायग्राम पे बनाए, दूसरे पे ठीक है। देखो उसके सर, बाद आप उसको एक्सप्लेन करें ना, एक एक स्टेप को आप एक्सप्लेन करें, एग्जांपल्स उसके अंदर लेकिन दें। वो बैकग्राउंड नहीं हाँ बनाना चाहिए कि उसके वो बाद मैंने, वो एलिगोरिथम वो मतलब फिर आप बातें घुमाएंगे तो फिर मसला हो सकता है, डायरेक्टली लाइक एक्सप्लेन डायरेक्ट करें। किया। हाँ अब मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने CSS में फिलोसफी रखी हुई थी, आई गॉट आई थिंक 78 मार्क्स इन फिलोसफी वहाँ पे, और यहाँ पे भी मेरी थी फिलोसफी 23 में। तो उसमें यह था कि फिलोसफी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और उसके अंदर आपने जैसे बात की कि आप डायग्राम्स नहीं बना सकते, बना सकते हैं उसके अंदर डायग्राम्स, लाइक बर्कले की एक जो फिलोसफी है SAS पर सेपी, तो उसके अंदर आप बनाए ना कैंडल, बनाए आंख बनी हुई है, ठीक है, वो देख लिया आंख बंद हो गई है, कैंडल गायब हो गई है, आंख आ गई सर कैंडल आ गई। हाँ ये सर एक इस क्लियर तरीके, इस तरीके से मैंने फिलोसफी की थी। डिफरेंस विच बुक, रसल की बुक से आप इतना क्यों कॉम्प्लेक्स कर रही हैं? वो फिर आपका मेथड वन है, फिर आपको वेट करना पड़ेगा 2-3 साल। हाँ तो आप थोड़ा स्पेसिफिक हो के अगर पढ़ेंगी तो फिर हो जाएगी आपके आसान। मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक, वो सिलेबस स्पेसिफिक रहा था, टॉपिक स्पेसिफिक रहा था, ठीक है। सर सोर्सेज मैं बताने लगा आपको, सोर्सेज लाइक यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, विकीपीडिया पे देख सकते हैं, ठीक है जी। लाइक अब देखिए, मुझे अगर एक चीज़ एक तरह से समझ आ रही है, मुझे क्रैश कोर्स जो है वो चैनल वहां से मुझे समझ आ गया, आपको नहीं आता तो फर्क पड़ सकता है। हाँ तो अब वहां पे, अब यूट्यूब के ऊपर एक उमेर उमेर के नाम से कोई चैनल है, मुझे वहां से समझ आ गया, ठीक है, आपको नहीं आएगा। आपको थोड़ा खुद इसके बारे में, जी, बिल्कुल, उसके अंदर, अगर उसके अंदर आप स्पेसिफिक सोर्स की बात कर रही हैं, बुक की बात कर रही हैं, तो एक सर्वकाश हैदर की बुक है, वो मैंने पढ़ी थी, लेकिन मैंने पूरी नहीं पढ़ी थी, डिफरेंट टॉपिक्स उसके अंदर। हाँ वो, लेकिन वो सारी नहीं पढ़ने वाली, हाँ वो सारी नहीं पढ़ने वाली, बिल्कुल। उसके अंदर PMS का भी ऐड है, CSS के लिए मैंने वहां से पढ़ा था, जी, वकास हैदर की बुक से पढ़ा था। उसके अलावा मैंने जैसे को बताया यूट्यूब के डिफरेंट, एक UPSC के टीचर हैं, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, हाँ वो इतने इतने लंबे बाल हैं जिनके, तो उनके भी लेक्चर्स मैंने लिए थे, ठीक है, उनके भी मैंने नोट्स बनाए थे। तो खैर जितने भी थे मैंने पढ़ लिए थे सारे, लेकिन बड़े लंबे लंबे लेक्चर हैं उनके, दो दो तीन तीन घंटे का लेक्चर है उनका एक, जी। फिलोसफी, फिलोसफी ये अच्छे बात है, बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि हमारा एजेंडा डिफरेंट है आज का, ठीक है। मैं अपना यहाँ पे ना, अगर आपको ज़्यादा कोई है इसके बारे में क्वेरीज तो आई थिंक इसके बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं फिलोसफी के बारे में। यस आई विल बी अवेलेबल, ठीक है, कोई मसला नहीं है, बट ये कि अभी इस वक्त एजेंडा डिफरेंट है, आपकी फिलोसफी की सारी क्वेरीज मैं कवर कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मार्क्स तो चाहिए, मार्क्स से बगैर तो एलोकेशन नहीं है, ठीक है। अब लाइक PMS के अंदर 740 मार्क्स से कम पे एलोकेशन नहीं हुई किसी की, ठीक है, और CSS के अंदर भी आप देखेंगे सर, फैसल हयात हमारे सीनियर थे, उनके 655 मार्क्स पे एलोकेशन नहीं हुई, ठीक
ठीक है, तो इसलिए आपको सब्जेक्ट्स उस हिसाब से देखने पड़ेंगे, आपको पेपर उस तरीके से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, आपको मार्क्स गेन करने पड़ेंगे तभी एलोकेशन होगी। बिल्कुल, बट वो बात है कि वुमेन कोटा के अंदर शायद आपकी हो जाए हमें ज्यादा उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है तो खैर उस चीज को देखा जा सकता है। बिल्कुल जरूर जरूर, कोई मसला नहीं। और किसी के क्वेश्चंस? जी जी सर, क्वेश्चन नहीं सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं कोई? हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ दीज लास्ट ईयर बिफोर द एग्जाम? यार ज्यादा से ज्यादा रिव्यूअन को अच्छी स्लीप लो और मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों का ख्याल रखो, और पेपर्स तो बस दुआएं करो सर। पीएमएस की उर्दू की प्रेपरेशन हो सर, पीएमएस की उर्दू के लिए आप एक बुक होती है कलीदे उर्दू, आप उस पे फोकस कर लें, वो पढ़ें और प्लस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, रिटर्न प्रैक्टिस, तो आपका अच्छे स्कोर आ जाएगा उसके अंदर। पास पेपर्स देखें, मजामीन लिखें, ये सारा कुछ करें। उसके बाद चले, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। तो इंशाल्लाह ताला बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को पेपर्स के लिए। ठीक है, तो सवाल जी जी बताएं। जी के बारे में केमिस्ट्री हेडिंग उसमें ऐड करते हैं कंक्लूजन से पहले क्रिटिकल एनालिसिस की। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो क्रिटिकल एनालिसिस जो है हम लोग वैसे भी हमने अपना ही चांस लिया और पूरे सवाल तो क्रिटिकल एनालिसिस के बाद से हेडिंग डालने की क्या जरूरत है। अगर क्रिटिकल एनालिसिस वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं जी तो उसमें मेंशन ना डालें, बट और उसके अलावा भी करते हैं तो हम लोग कंक्लूजन तो वैसे भी दे रहे हैं। कंक्लूजन आप दे रहे हैं, बट क्रिटिकल एनालिसिस एक डिफरेंट चीज़ है। कंक्लूजन आपका थोड़ा ऐसा होना, जेनेरिक सा होना चाहिए, लाइक उसके अंदर आपने ये नहीं बता देना कि एनालिसिस मार्केट मेरा ये है, वो थोड़ा जेनेरिक अनबायस इम्पार्शियल सा होना चाहिए जो हर बंदे को पसंद है। क्रिटिकल एनालिसिस में आपने वो चीज़ लिखनी है जो आपका अपना स्टांस है, जो आपका अपना ओपिनियन है, जो कि शायद किसी और को पसंद ना आ रहा हो, इसलिए आपने क्रिटिकल एनालिसिस में लिखना है। उसमें वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो दोनों का कंबिनेशन भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप लेके चलें, दोनों को कंफ्यूज ना करें क्रिटिकल एनालिसिस में। नहीं, वो अपने हर जगह पे अपना थोड़ा बहुत स्टांस बताना है ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर, लेकिन जो ऑलरेडी क्रिटिसाइज या क्रिटिकली एनालाइज वाला क्वेश्चन है उसके अंदर बेशक ना आप डालें, क्योंकि उसमें आप ऑलरेडी एक स्टांस ले चुके हैं और उसका आप एंटीथीसिस देंगे तो वो एक कहने कंट्राडिक्शन आ जाएगी। इस तरीके से लेके चलें। चले, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम्स के लिए।